भोपाल में नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति ने मोतियों से मां दुर्गा की मूर्ति को सजाया है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पंडाल पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का त्यौहार शहर में कोरोना संक्रमण के बीच मनाया जा रहा है। नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा जवाहर चौक स्थित मां दुर्गा की मूर्ति को हर बार अलग और अनोखे अंदाज में सजाया जाता है। इस बार भी मां दुर्गा की मूर्ति को मोतियों से सजाया गया है, जिसको देखने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मां दुर्गा के पंडाल में पहुंच रहे हैं। मोतियों से सजी मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बन रही है। बताया जा रहा है मोतियों को लगाने में समिति ने 21,000 रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही समिति ने प्रशासन के नियमों को देखते हुए पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने का प्रावधान किया है। नव युवक दुर्गा उत्सव समिति ये प्रतिमा जवाहर चौक पर बिठाई गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष हम कुछ नया लाए। पिछले साल हमने 21,000 नोटों की प्रतिमा बिठाई गई थी, इस साल हमने 21,000 नगों की मूर्ति बिठाई गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।